वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट लवर। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के सभी सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स के बारे में। 2008 में राजस्थान रॉयल्स के शेन वॉटसन, इन्होंने 15 मैचेस में 406 पॉइंट्स अर्जित किए थे, जिसमें इन्होंने बल्ले के साथ 472 रन बनाया था और इन्होंने 450 लगाए थे और 47 फोर्स और 19 सिक्सेस हिट किए थे और गेंद के साथ इन्होंने 17 विकेट्स लिए थे, इसमें इनका इकोनॉमी था 7.07। 2009 में डेकान चार्जर्स के एडम गिलक्रिस्ट, इन्होंने 16 मैचेस में 286.5 अर्जित किए थे, जिसमें इन्होंने 495 रन बनाए थे और इन्होंने 350 लगाया था और 54 फोर्स और 29 सिक्सेस हिट किए थे। 2010 में मुंबई इंडियंस के सचिन तेंदुलकर, इन्होंने 15 मैचेस में 233 पॉइंट्स अर्जित किए थे, जिसमें इन्होंने 618 रन बनाए थे और इन्होंने 550 लगाया था और 86 फोर्स और 3 सिक्सेस हिट किए थे। 2011 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के क्रिस गेल, इन्होंने 12 मैचेस में 409.5 पॉइंट्स अर्जित किए थे, जिसमें इन्होंने 608 रन बनाए थे और इन्होंने 200 और 350 लगाया था और 57 फोर्स और 44 सिक्सेस हिट किए थे और गेंद के साथ इन्होंने 8 विकेट्स लिए थे, जिसमें इनका इकोनॉमी था 6.77। 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नरीन, इन्होंने 15 मैचेस में 256.5 पॉइंट्स अर्जित किए थे, जिसमें इन्होंने 25 विकेट्स लिए थे और इनका इकोनॉमी था 7.19। इनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स था 4/4/20। 2013 में राजस्थान रॉयल्स के शेन वॉटसन, इन्होंने 16 मैचेस में 386 पॉइंट्स अर्जित किए थे, जिसमें इन्होंने बल्ले के साथ 543 रन बनाया था और इन्होंने 100 और 250 लगाए थे और 59 फोर्स और 22 सिक्सेस हिट किए थे और गेंद के साथ इन्होंने 13 विकेट्स लिए थे, जिसमें इनका इकोनॉमी था 7.15। 2014 में किंग्स इलेवन पंजाब के ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने 16 मैचेस में 286 पॉइंट्स अर्जित किए थे, जिसमें इन्होंने 552 रन बनाए थे और इन्होंने 450 लगाया था और 48 फोर्स और 36 सिक्सेस हिट किए थे। 2015 में कोलकाता नाइट राइडर्स के आंड्रे रसेल, इन्होंने 13 मैचेस में 312 पॉइंट्स अर्जित किए थे, जिसमें इन्होंने बल्ले के साथ 326 रन बनाए थे और 350 लगाया था और 35 फोर्स और 19 सिक्सेस हिट किए थे और गेंद के साथ इन्होंने 14 विकेट्स लिए थे, जिसमें इनका इकोनॉमी था 7.96। 2016 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विराट कोहली, इन्होंने 16 मैचेस में 357.5 पॉइंट्स अर्जित किए थे, इसमें इन्होंने 973 रन बनाए थे और 400 और 750 लगाए थे और 83 फोर्स और 38 सिक्सेस हिट किए थे। 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बेन स्टोक्स, इन्होंने 12 मैचेस में 272 पॉइंट्स अर्जित किए थे, जिसमें इन्होंने 316 रन बनाए थे और 100 और 150 लगाए थे और 22 फोर्स और 15 सिक्सेस हिट किए थे और गेंद के साथ इन्होंने 12 विकेट्स लिए थे, जिसमें इनका इकोनॉमी था 7.18। 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नरीन, इन्होंने 16 मैचेस में 379.5 पॉइंट्स अर्जित किए थे, इन्होंने बल्ले के साथ 357 रन बनाए थे, जिसमें इन्होंने 250 लगाया था और 44 और 23 सिक्सेस हिट किए थे और इन्होंने गेंद के साथ 17 विकेट्स लिए थे, जिसमें इनका इकोनॉमी था 7.65। 2019 में कोलकाता नाइट राइडर्स के आंड्रे रसेल, इन्होंने 14 मैचेस में 369 पॉइंट्स अर्जित किए थे, इन्होंने बल्ले के साथ 510 रन बनाए थे और 450 लगाया था और 31 फोर्स और 52 सिक्सेस हिट किए थे, इन्होंने गेंद के साथ 11 विकेट्स लिए थे और इनका इकोनॉमी था 9.51। 2020 में राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर, इन्होंने 14 मैचेस में 307 पॉइंट्स अर्जित किए थे, जिसमें इन्होंने बल्ले के साथ 113 रन बनाए थे और इनका स्ट्राइक रेट था 179.36। इन्होंने 5 फोर्स और 10 सिक्सेस हिट किए थे, इन्होंने गेंद के साथ 20 विकेट्स लिए थे और इनका इकोनॉमी था 6.55। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।